जय श्री राधे। कार्तिक मास की बड़ी महत्वता है। भगवान विष्णु को ये एक महीने का कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। श्री राधा रानी, गोपियां, भगवान के बड़े बड़े भक्तों ने इस कार्तिक मास में एक महीने व्रत रखकर भगवान नारायण को पाया है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति की है। यदि एक महीने कोई निरंतर इस कार्तिक मास को रखता है तो भगवान श्री हरि उसके हो जाते हैं, किंतु यदि कोई एक महीने तक कार्तिक मास के इस व्रत को नहीं रख पाता तो वो सिर्फ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस रमा एकादशी को कर लेता है तो भगवान विष्णु को अपना बना लेता है। इतना बड़ा फल इस रमा एकादशी का है। जो एकादशी इस महीने 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को पड़ने वाली है, कार्तिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व अत्यंत है। हमें इस एकादशी पर विशेष रूप से तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए, उनकी क्यारियों में सफाई करनी चाहिए और तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने चाहिए। आज के दिन यानी एकादशी वाले दिन व्योम दीपक यानी आकाश को दीपक दिखाना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व के देव भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो आकाश दीपक दिखाने वाले को संपत्ति की प्राप्ति होती है। आज विष्णु सहस्त्र नाम का या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और प्रयास करें कि भगवान में ही आपका मन लगे। कोई भी मंत्र इत्यादि का जाप मन ही मन करें। सांझ के समय भजन कीर्तन करें। इस एकादशी का पारण 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में आपको करना है। आप सभी को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।